हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, श्रमिकों का पंजीकरण करेंगे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक और इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से आधिकारिक पत्र दोस्तों जारी कर दिया गया है। विद्यालय को समाज या समुदाय का लघु रूप कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी ने किसी भी औपचारिक संस्था जो कि विद्यालय के रूप में है उसे समाज का मिनिएचर फॉर्म कहा है। अब विद्यालय में बच्चे आते हैं, वो बच्चे मजदूरों के, किसानों के, श्रमिकों के, कामगारों के बच्चे हो सकते हैं। तो परिषदीय शिक्षकों को एक जिम्मा दे दिया गया कि प्रत्येक गांव में जो कार्मिक हैं, जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनके हित के लिए जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उससे उनको लाभ प्रदान कराना है। ऐसी स्थिति में उनका पंजीकरण या तो CSC पे हो, कॉमन सर्विस सेंटर पे शिक्षक जाके कराएं, या वो स्वतः ही कर सकते हैं। तो प्रत्येक यहाँ पे परिषदीय शिक्षक को गांव में, जिस गांव में वो विद्यालय है वहाँ पे जिम्मेवारी दे दी गई है कि वो दस दस जो कार्मिक हैं, एटलीस्ट 10 कार्मिक का रजिस्ट्रेशन दोस्तों सुनिश्चित करेंगे। आते हैं, देखते हैं इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से कौन सा आधिकारिक पत्र दोस्तों जारी हुआ है। दोस्तों, ये जो पत्र जारी हुआ है ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत से है। पत्रांक SSA 3868-72/2021-22 और दिनांक 7 अगस्त 2021 का पत्र है। और ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को संदर्भित पत्र है और विषय है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित लाभकारी योजनाओं के संबंध में। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आप अपने विकास क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सविलियन विद्यालयों के प्रत्येक अध्यापक को निर्देशित करें कि उनको दिनांक 9 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक प्रतिदिन 10-10 श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन करवाने का लक्ष्य दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बात हो रही है कि चाहे वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, या वो संविलियन का स्कूल हो, वहाँ के प्रत्येक जो परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हमारे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आप देख सकते हैं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और संविलियन विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को निर्देशित करें कि उनको दिनांक 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक प्रतिदिन 10-10 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाने का लक्ष्य दिया गया है। उक्त कार्यक्रम हेतु सभी अध्यापक प्रत्येक ग्राम से प्रत्येक दिन प्रति अध्यापक 10-10 कर्मकारों का कॉमन सर्विस सेंटर अथवा स्वयं भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उक्त से संबंधित सूचना प्रतिदिन 2 बजे तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को एवं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा 3 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। उक्त कार्य की प्रगति एवं समीक्षा हेतु श्रीराम सक्सेना खंड शिक्षा अधिकारी अमरिया को नोडल अधिकारी एवं श्री गणेश प्रसाद वर्मा जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। समीक्षा के लिए श्री राम सक्सेना जी खंड शिक्षा अधिकारी को नामित किया गया। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन श्री गणेश प्रसाद वर्मा जी जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता को सहायक नोडल अधिकारी दोस्तों नामित किया गया है। और इसमें अटैचमेंट भी है, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग के संचालित योजनाओं की छायाप्रति, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दैनिक रिपोर्ट फॉर्मेट चंद्रकेश सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये पत्र जारी हो रहा है। और ये जिला अधिकारी महोदय पीलीभीत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय पीलीभीत को, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीलीभीत को, श्रम प्रवर्तन अधिकारी पीलीभीत को और अंत में समस्त अध्यापक परिषदी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय जनपद पीलीभीत को अनुपालनार्थ
तो दोस्तों यहाँ पे सभी को जिम्मेवार कर दिया गया है कि जो लेबरर हैं उनका रजिस्ट्रेशन शिक्षक करेंगे। शिक्षक कभी बाल गणना करते थे, बच्चों का देखते थे कि ऐसे बच्चे कौन से हैं, ख़ास तौर पे 3 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को देखते थे, और अब उसका विस्तार दोस्तों हो रहा है। चूँकि प्री प्राइमरी में भी परिषदीय विद्यालय जो है नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसका विस्तार हो रहा है, प्री प्राइमरी को भी कवर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में 3 से लेकर के 14 वर्ष की बच्चे शिक्षक गणना करते थे, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की भी गणना शिक्षक करते थे। अब यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का काम जो दे दिया गया है वो श्रमिकों का भी पंजीकरण शिक्षक करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन ये लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।